Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार, मेरा नाम सदन झा है और हम लोग इस लेक्चर सीरीज में आधुनिक भारत के ऊपर केंद्रित इतिहास लेखन की बदलती प्रवृत्तियों रुझानों का अध्ययन कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम आज 19वीं सदी पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आज हम लोग 19वीं सदी में तीन तरह की इतिहास वृत्तियों, इतिहास के ऊपर जो स्कॉलरशिप उस सदी में हुआ उसकी बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत हम लोग जेम्स मिल के हिस्ट्री ऑफ इंडिया से करेंगे, फिर हम लोग अन्य जो इतिहास लेखन, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन आप कह सकते हैं, उनका संक्षेप में उनके ऊपर बात करेंगे और फिर 19वीं सदी के मध्य से भारत में जो अलग अलग प्रांतों में जिस तरह से इतिहास लेखन विकसित हुआ, खासकर बंगाल और महाराष्ट्र, तो इसमें इसके बारे में चर्चा करेंगे और विस्तार से महाराष्ट्र के ऊपर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत करते हैं जेम्स मिल के हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। जेम्स मिल इस अर्थ में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ने न मात्र 19वीं सदी और उनके समकालीन समझ को प्रभावित किया भारत के अतीत के बारे में, बल्कि बाद की सदियों में भी इस किताब ने औपनिवेशिक प्रवृत्तियों को भारत के इतिहास के संबंध में खासा स्वरूपित किया। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह ट्रेंड सेटर था। दूसरी बात, जेम्स मिल के इतिहास के संबंध में चर्चा करते हुए हम उपयोगितावादी अर्थात यूटिलिटेरियन जो विचार पद्धति विकसित हुई और जिसके वे प्रणेता रहे इतिहास के मामले में, उसके बारे में भी हम संक्षेप में ही सही बात करेंगे और उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। जेम्स मिल की पुस्तक ब्रिटिश प्रशासकों के लिए 19वीं सदी में एक अनिवार्य पुस्तक के रूप में प्रिस्क्राइब किया जाता था और इसकी चर्चा और इस यह कुछ इस कदर फेमस हुआ, इतना प्रभावशाली था कि 1833 में मैकॉले ने इस किताब को गिब्बन की अनमोल ऐतिहासिक कृति के बाद अंग्रेजी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक घोषित किया। इस इतिहास लेखन की यात्रा में यह एक अहम पड़ाव है क्योंकि इस पुस्तक ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को नैतिक आधार प्रदान किया। जेम्स मिल ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारी थे वहां के लंदन ऑफिस में, और यह किताब जो 1817 में प्रकाशित होकर आई, दरअसल इस किताब पर वे 1805 से ही काम कर रहे थे, तो बहुत मेहनत और करीब 12-13 साल का उनका लगन इस किताब के बनने में गया। जाहिर है ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन ऑफिस में रहने के कारण भारत संबंधी डिस्पैचों पे जो दस्तावेज भारत से आते थे लंदन, वे उनके पहुंच में थे जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया। और यह दिलचस्प है कि यद्यपि वे कभी भारत गए नहीं और आप इस तरह से
उन पर यह आरोप लगा कि भारत की जो के बारे में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस का उनके पास अभाव रहा, लेकिन क्योंकि उन्हें भारत से आने वाले रपटों का, दस्तावेजों का एक्सेस था, उस तक उनकी पहुंच थी, तो उन्होंने अनुभवहीनता को कमी नहीं बल्कि उसे एक सकारात्मक गुण माना और उनके लिए इससे पूर्वाग्रह से एक तरह से उनकी किताब मुक्त रही, यह उनका मानना था। यहां उन्होंने शासितों की खुशी का उनके सेल्फ रिप्रेजेंटेशन या स्वराज्य से अधिक महत्व दिया। तो जनता की खुशी को प्रतिनिधित्व, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन या पॉलिटिकल प्रोसेसेस में उनकी भागीदारी से अधिक अहमियत देने का जो तर्क उन्होंने गढ़ा, दरअसल वो उनसे पहले गढ़ा गया, और यह साम्राज्यवादी नीतियों के मूल में कहीं न कहीं यह चलता रहा, जिसका उत्स यह था कि किसी भी समाज, जो कि जैसे कि भारत का समाज, जो खुद शासन करने के लिए सक्षम नहीं है, और यह बहुत ही एक, जिसे आप कह सकते हैं, रेशियल अवधारणा रही, जिसमें यह माना गया कि जो गैर यूरोपीय समाज है उस समय का, वहां यदि यूरोपीय अंग्रेज शासन न करें तो अराजकता का माहौल हो जाएगा, वहां विकास नहीं हो पाएगा, वहां सभ्यता नहीं आएगा। तो इस कारण से जो जनता की खुशी है, जनता का विकास है, वह अधिक जेम्स मिल के लिए मायने रखा, बनिस्पत की वहां भारतीय समाज का शासन स्वप्रतिनिधि हो या न हो। और यहां फिर बार बार जो हम लोग पहले भी जिस बात का जिक्र करते रहे और आगे भी हम इस बात का चर्चा करेंगे, इस बात की चर्चा करेंगे कि जो व्हाइट मैन्स बर्डन का जुमला रहा, जिसमें अंग्रेज भारत पर भारतीयों के हितों के लिए शासन करते रहे, उसकी पुनरावृत्ति हम पाते हैं। तो इस बात के कई तह हैं जिन्हें खंगालने की जरूरत है, और उपयोगितावादी जो दृष्टिकोण रहा वह इसी का एक हिस्सा, जो इवेंजिकल अंडरस्टैंडिंग था, दृष्टिकोण था, उसी का एक एक्सटेंशन आप कह सकते हैं यहां, जो जेम्स मिल की किताब में हम देखते हैं। और इसके पीछे कहीं न कहीं बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय समाज के प्रति जेम्स मिल में के दिमाग में जो हिकारत की भावना थी, वह परिलक्षित होती नजर आती है। इसी कारण से जेम्स मिल अपने पूर्ववर्ती ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स, जिनकी चर्चा हमने पिछले एपिसोड में की, उनसे न मात्र उलट थे बल्कि उनसे खासे नाराज और खफा भी रहे। तो ये एक स्पष्ट बदलाव हम ओरिएंटलिस्ट स्कॉलरशिप और जेम्स मिल, जो कि यूटिलिटेरियन थिंकिंग के साथ किताब लिख रहे थे, इनके बीच पाते हैं। जेम्स मिल भी अपने पूर्ववर्ती
विद्वानों की तरह ही, औपनिवेशिक विद्वानों की तरह ही भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा, प्राचीन भारत को हिंदू पीरियड माना, मध्यकाल को मोहम्मदन पीरियड माना और अपने समकाल अंग्रेजों के बाद से जो पीरियड शुरू हुआ उसे आधुनिक काल माना। तो तीन जेम्स मिल के इतिहास के हम तीन अहम घटक पाते हैं। एक तो उनका उपयोगितावाद में विश्वास, और जिसमें हम अपने पूर्ववर्ती इवेंजलिस्ट जैसे चार्ल्स ग्रांट, जॉन सोर के प्रति उनके मन में प्रशंसा पाते हैं, जिन्होंने पिछली सदी के अंत में उपनिवेशों को श्वेतों की नैतिक जिम्मेवारी के रूप में प्रसारित किया था, जैसा कि मैंने अभी स्पष्ट किया, व्हाइट मैन्स बर्डन का जुमला। और तीसरा, उन्होंने प्राच्यवादियों के द्वारा, जो ओरिएंटलिस्ट के द्वारा जो प्राचीन भारत का महिमा मंडन किया गया था, उसका खंडन किया, जो बात मैंने अभी कही। तो उसके सार के रूप में हम यहां तीन मुख्य बिंदु पाते हैं जेम्स मिल के इतिहास के तीन घटक। यहां साथ ही मैं यह भी जोड़ दूं कि यही उपयोगितावादी दृष्टिकोण के कारण उन्होंने माना कि ओरिएंटलिस्ट जिस तरह से साहित्य, संस्कृति आदि के ऊपर जोर देते थे, और जहां वे पुराणों में इतिहास को ढूंढा, तिथि क्रम की बात की और भी अनेक बातें की जिसके बारे में हम लोग पिछले एपिसोड में चर्चा किए, उसके ठीक उलट जेम्स मिल ने कहा कि जो कुछ भी प्राचीन भारत में था वह मिथक था, और उस मिथक से इतिहास की रचना नहीं की जा सकती है। मिल के लिए शिक्षा और मनोविज्ञान उनके भारत संबंधी विचारों के केंद्र में था, जो उनका उपयोगितावादी फ्रेम था। अब उस पर थोड़ा हम लोग ध्यान दें, और उस उपयोगितावादी फ्रेम में शिक्षा और मनोविज्ञान की जो अवधारणा थी उनके मन में, वह उसके मूल में था। यह हर्टले के एसोसिएशनिस्ट मनोविज्ञान की तरफ हमें ले जाता है, जिसकी जड़ में यह विश्वास था कि मनुष्य जब पैदा होता है तो उसका दिमाग खाली स्लेट की तरह होता है, और सही शिक्षा के द्वारा उसे किसी भी तरफ, किसी भी दिशा में स्वरूपित किया जा सकता है। तो इसीलिए जेम्स मिल की या उपयोगितावादियों की यह प्रबल अवधारणा रही कि भारतीय समाज उसी तरह से एक खाली स्लेट के जैसा है, जिसे यूरोपीय विचारों से, यूरोपीय खासकर उपयोगितावादी विचारों से सही दिशा में स्वरूपित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य जनता की भलाई है, उनके लिए शासन का सवाल गौण सवाल रहा। इसी कारण से बार बार जब हम उपयोगितावादी यह शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यहां बहुत, यदि मोटे तौर पे कहें तो उपयोगितावादी अर्थात जो कुछ भी
सरकार की नीति हो, जो वैचारिकता हो, उसका हर सिरा उपयोग से जुड़ा हो। यहां संस्कृति, कला, भारत का अतीत, यह सभी तभी महत्वपूर्ण होंगे जब इनकी कोई उपयोगिता मूल्य हो। और जाहिर सी बात है कि जेम्स मिल या इन उपयोगितावादियों के जहन में अंग्रेजों के पहले के भारतीय समाज में कोई उपयोगिता मूल्य नहीं था। इसी कारण से एक और दिलचस्प बात यहां यह भी हमें ध्यान रखना होगा कि जहां एक ओर वारेन हेस्टिंग्स के बाद से ही ओरिएंटलिस्ट विचार पद्धति में यह माना जा रहा था और इस बात पर बल दिया गया था कि यदि अंग्रेज भारत में शासन सफल रूप से करना चाहते हैं तो यहां की जो परंपराएं हैं, रीतियां हैं, कानून हैं, उनका सहारा लेना होगा, भले ही उन्हें यूरोपीय नजरिए से व्याख्यायित किया जा सकता है, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स के बाद से ही भारतीय कानूनों की तरजीह मिलने लगी थी और इसीलिए उन्हें उनकी खोज की जाने लगी थी, उनके ऑथेंटिक सोर्सेस, ऑथेंटिक टेक्स्ट की खोज पर काफी बल दिया गया। लेकिन जेम्स मिल या उपयोगितावादियों के दिमाग में, उनके विचार पद्धति में यह महत्वपूर्ण था कि जो कानून अभी तक चला आ रहा है, जिसमें विविधताएं हैं, उन्हें खत्म कर उनके स्थान पर एक कानून लागू हो और यह कानून ऐसा हो जो कि भविष्योन्मुखी हो, जो एक नॉर्मेटिव हो, जो प्रिस्क्रिप्टिव हो, न कि जो पहले से चला आ रहा हो, क्योंकि भारतीय समाज की प्रति ही उनकी जो दृष्टि थी वह बेहद नकारात्मक थी, हिकारतपूर्ण थी, इसलिए भारतीय कानून के प्रति भी उनका नजरिया यही था कि इन सभी कानूनों के बदले, अलग अलग कानूनों के बदले अंग्रेज सरकार ऐसे कानून लेकर आए, ऐसी नीतियां लेकर आए जो कि एक उनके जेहन में जो आदर्श मुखी समाज, जो विकास उन्मुख समाज हो, उसकी स्थापना की दिशा में सही कदम हो। और यहां जेरेमी बेंथम के विचारों से वे प्रभावित थे, जिनका मानना था कि मुख्य उद्देश्य आदर्श कानून का निर्माण करना होना चाहिए, न कि प्रचलित कानूनों की व्याख्या और कार्यान्वयन। मिल के विचारों ने भारत में अंग्रेजी शासन के लिए एक नैतिक आधार का निर्माण किया, जहां उद्देश्य लोगों को प्रतिनिधित्व न देकर उन्हें सभ्यता के तयशुदा मानकों से जांच करना था। ये ऐसे मापदंड थे जो खास वैचारिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के उत्पाद थे। इन्हीं खांचों के मद्देनजर भारतीय समाज, संस्कृति और इतिहास की उपयोगिता को परखा जाना था। और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि मिल का इतिहास खासा लोकप्रिय हुआ, इनके किताब की बहुत तेजी से अनेक संस्करण आए। 1833 में मेकाले ने इसे गिब्बन के बाद
अंग्रेजी भाषा की सर्वश्रेष्ठ कृति माना, लेकिन साथ ही हम यह भी पाते हैं कि मिल के समानांतर ही और इनके पुस्तक के कुछ ही समय के बाद औपनिवेशिक प्रशासकों के बीच से ही ऐसे लेखन, ऐसा इतिहास लेखन निकलने लगा था, आने लगा था, जो कि उन लेखकों के भारत प्रवास के व्यक्तिगत अनुभवों पर और भारतीय समाज की जो उनके अपने अवलोकन रहे और इस दौरान जिस तरह से उन्होंने सामग्रियां जुटाई, उन सबको आधार मानकर लिखा गया था। और ये जो एक समानांतर प्रक्रिया शुरू हुई, इसमें हम इस समानांतर प्रक्रिया में हम एक अहम नाम मॉन्ट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन का पाते हैं। ये महाराष्ट्र में थे कार्यरत और इन्हें पेशवा के दफ्तर और मराठों के इतिहास से संबंधित दस्तावेजों का की तरफ पहुंच थी इनकी। तो एक इनके मातहतों के साथ और इनके आप कह सकते हैं कि मेंटरशिप में एक नई पीढ़ी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर हिस्टोरियंस की विकसित हुई, जो कि एम्पिरिकली बहुत ग्राउंडेड थी जिसका इतिहास लेखन। और इसमें ग्रांट डफ का नाम खास तौर पर उल्लेखनीय है। माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन ने रिपोर्ट ऑन द टेरिटरीज कंकर्ड फ्रॉम द पेशवा 1818 में लिखा और ग्रांट डफ ने हिस्ट्री ऑफ महारताज 1826 में। इसी के साथ जॉन मेलकम के ए मेमोयर ऑफ सेंट्रल इंडिया इंक्लूडिंग मालवा एंड एडजॉइनिंग प्रोविंसेस, जो 1823 में आई। रिचर्ड जेनकिंस का रिपोर्ट ऑन द टेरिटरीज ऑफ द राजा ऑफ नागपुर, जो 1827 में आई। ये सभी महत्वपूर्ण हस्तक्षेप रहे मराठा इतिहास की और ये सभी 1820 के दशक में प्रकाशित हो रहे थे। दूसरी तरफ राजस्थान के संबंध में जेम्स टॉट की एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो 1829 और 1832 में दो खंडों में। कुल मेरा इशारा इस बात पर है कि अब औपनिवेशिक प्रशासकों के द्वारा ही लिखी गई इतिहास में प्रांतीयता, प्रांतों को केंद्र में रखा जाना लगा। और आप जिसे कह सकते हैं कि वहां के अवलोकन के आधार पर ये सभी इन इलाकों में कार्यरत थे और इस तरह से अंचल का इतिहास सामने आना शुरू हुआ। इसी के साथ 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में, उत्तरार्ध में, हम
इलियट एंड डॉसन के द्वारा मध्ययुगीन भारत के ऊपर केंद्रित, जिसे उन दिनों मोहम्मदन पीरियड भी माना जाता था, उसके ऊपर इन दोनों के द्वारा 1867 से 1877 के बीच 8 विशाल खंडों का इतिहास हमारे सामने आता है। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहली बार एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप मध्यकाल को लेकर अंग्रेजी भाषा में हमारे सामने आ रहा है 19वीं सदी में। तो साम्राज्यवादी या औपनिवेशिक जो इतिहास धारा रही है उसके अलग अलग छटाएं रही हैं, वो कोई मोनोलिथिक एक रंगी इतिहास लेखन नहीं रहा है, जिस बारे में हमने पहले भी बात की थी। और ये जो विविधता है, ये जो समय के साथ उसके बदलते रुझान हैं, उसकी तरफ मैं यहां इशारा कर रहा हूं। इसी क्रम में विलियम विल्सन हंटर ने 1880 के दशक में इंपीरियल गजेटियर्स ऑफ इंडिया नामक सीरीज की शुरुआत की, जो सांख्यिकीय आंकड़ों से भरपूर दस्तावेज हमारे सामने है इस इन गजेटियर्स के द्वारा। फिर इन्होंने उससे पहले 1871 में इंडियन मुसलमान्स के नाम से एक महत्वपूर्ण किताब लिखी। तो एक तरफ जहां 19वीं सदी की शुरुआत हम जेम्स मिल से पाते हैं, जो एक खास उपयोगितावादी विचारधारा के तहत इतिहास लिख रहे थे, भले ही वह बेहद लोकप्रिय हुई, लेकिन जहां इंपीरिकल या ग्राउंड रियलिटीज नहीं था, उसका अभाव था, वहीं दूसरी ओर हम 1820 के दशक में महाराष्ट्र और राजस्थान के संदर्भ में इंपीरिकली रिच अकाउंट्स पाते हैं, प्रांत को केंद्र में रखकर लिखा गया इतिहास पाते हैं। और फिर 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हम विलियम हंटर या इलियट डॉसन जैसे स्कॉलर्स की रचनाएं भी पाते हैं, जो मध्ययुग या फिर सांख्यिकी आंकड़ों और भारतीय मुसलमानों जैसे जो अभी तक इग्नोर्ड विषय रहे उनके ऊपर ये केंद्रित था। अब यहां गौरतलब यह है कि जो शुरुआत माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन या ग्रांड डफ ने महाराष्ट्र के संदर्भ में किया या फिर राजस्थान में जिस तरह से जेम्स टॉड ने किया, तो इन ऐतिहासिक कृतियों ने 19वीं सदी में जो भारतीय बुद्धिजीवी तबका इमर्ज कर रहा था, जिसका उदय हो रहा था, जो भले ही अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा में प्रवीण और उसी का उत्पाद था, लेकिन उसके मध्य अपने अतीत को लेकर गहरी चिंता के बीज भी बोए। और यह हमारे आगे के इस लेक्चर का मूल बिंदु होगा। इसमें हम जैसे बंगाल में बंकिम चंद चटर्जी की इतिहास दृष्टि के बारे में
आगे के लेक्चर में देखेंगे, या फिर हिंदी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कृतियां हमारे सामने 1850 के दशक के बाद, और उन्होंने बहुत सी टेक्स्ट बुक्स लिखी। इतिहास में इतिहास तिमिर नाशक नामक उनकी किताब बेहद महत्वपूर्ण है। और इस चेतना का प्रस्फुटन महाराष्ट्र में हम भरपूर पाते हैं। तो हम रुख करते हैं महाराष्ट्र का, बंगाल की चर्चा हम अगले कुछ एपिसोड्स में करेंगे, यहां हम महाराष्ट्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन 19वीं सदी में जो महाराष्ट्र में इतिहास चेतना विकसित हुई, वहां शुरुआत में हम इस बाखर के प्रति उदासीनता का ही भाव देखते हैं। यह इसलिए भी कि जो पहली पीढ़ी महाराष्ट्र में इतिहासकारों की आई, वह पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा में ही पली बढ़ी थी, जैसे बाल गंगाधर शास्त्री जम्बेकर। और यह सही है कि इस पीढ़ी के लिए भी इतिहास अन्य किसी भी विषय से कतई कम महत्व का नहीं था, लेकिन फिर भी इस पीढ़ी ने बाखर से दूरी बनाए रखा। बाखर उनके लिए काल्पनिक या अऐतिहासिक स्रोत के रूप में ही अधिक रहा। इस पीढ़ी ने मराठों में ऐतिहासिक चेतना के अभाव का ही दुखड़ा रोया। यहां जब हम महाराष्ट्र में इतिहास चेतना की बात करते हैं 19वीं सदी में, तो गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी का नाम हमारे सामने आता है। इन्होंने ऐतिहासिक गोष्ठी के लिए रीति रिवाजों, पर्व त्योहारों, गाथाओं, संस्मरणों, भौगोलिक विवरणों आदि सभी को स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया। इनके श्वेत पत्र अर्थात शवपत्र, जो प्रभाकर नामक जर्नल में 1840 में प्रकाशित हुए, उसमें इन्होंने मराठों के पतन के कारकों की चर्चा भी की। 1864 में मोरोबा कान्होबा विजयकर की घासीराम कोतवाल एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में हमारे सामने आता है। गोपाल हरि देशमुख या घासीराम कोतवाल, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें हम मराठा समाज के प्रति कुछ हद तक सेल्फ क्रिटिकल अप्रोच भी पाते हैं, अर्थात आलोचनात्मक नजरिया भी हमें देखने को मिलता है। साथ ही 1864 में शंकर तात्या फरके के द्वारा सिंधे राज का इतिहास लिखा गया,
विष्णु भट्ट गोडसे ने माजा प्रवास अथवा 1857 या बंदाची हकीकत, जो कि 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्षदर्शी अकाउंट है, आई विटनेस अकाउंट, अब जो फर्स्ट हैंड आई विटनेस अकाउंट जिसे कहा जा सकता है, एक यात्रा वृतांत है यह, जिसमें लेखक 1857 की घटनाओं का आंखों देखा हाल बयान करते हैं। तो इन सभी कृतियों से हम 19वीं सदी में मराठी भाषा में जो इतिहास चेतना और इतिहास लेखन विकसित हो रहा था, उसकी झलक हम पाते हैं। जहां एनालिसिस भी है, महज घटनाओं का ब्योरा नहीं है। 1870 के दशक के बाद जो इतिहास हम महाराष्ट्र में पाते हैं, वहां राष्ट्रवाद और देशभक्ति दो अहम उसके धुरी रहे। इसमें नीलकंठ जनार्दन कीर्तने का नाम हमारे सामने आता है। ये बंबई विश्वविद्यालय के स्नातक थे और इन्होंने बेहद असरदार तरीके से ग्रांट डफ के इतिहास की आलोचना की। यहां मैं फिर से याद दिला दूं कि ग्रांट डफ ने मराठों का इतिहास लिखा, जो जेम्स मिल के भारतीय इतिहास के हिकारतपूर्ण दृष्टि के विपरीत बहुत अर्थों में मराठा समाज के प्रति सहानुभूतिपूर्ण अकाउंट रहा। और यह लंबे समय तक इसे सराहा जाता रहा, इसकी आलोचनात्मक टिप्पणी हम पहली बार नीलकंठ जनार्दन कीर्तने के निबंध में पाते हैं। इसे इन्होंने स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी के समक्ष 1867 में पढ़ा। यही वह काल था जब महाराष्ट्र में व्यक्तिगत प्रयासों के साथ जो मानीखेज है वह इतिहास को लेकर संस्थानात्मक प्रयास, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई या दक्कन कॉलेज पुणे जो संस्कृत और इंडोलॉजी के लिए विख्यात रहा है, ऐसे ही संस्थानात्मक प्रयास के दो बेहद अभूतपूर्व नमूना हमारे सामने है। इसके पीछे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की अहम भूमिका रही है, संस्थानात्मक जो गतिविधियां रही हैं। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर एल्फिंस्टन कॉलेज और दक्कन कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर थे और 1892 में बंबई विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए। इन्होंने वैष्णव, शैव और अन्य संप्रदायों पर काम किया। प्राचीन इतिहास की तरफ इनका ध्यान केंद्रित रहा, साथ ही दक्कन के इतिहास की संक्षिप्त रूपरेखा भी इन्होंने तैयार की। दक्कन में संस्कृत पांडुलिपियों की खोज का मुहिम चलाया और अनेक खंडों में इन संस्कृत पांडुलिपियों के संग्रहित सामग्री का दस्तावेजीकरण हुआ इनके नेतृत्व में। इसका भाषा वैज्ञानिक फिलोलॉजिकल विश्लेषण और इनके कालक्रम को निश्चित किया गया।
इन्होंने सत्य की खोज में रांके के द्वारा सुझाए हुए वस्तुनिष्ठता की इतिहास पद्धति को अपनाया, जिसे हम अंग्रेजी में पॉजिटिविज्म के नाम से जानते हैं, जहां इस बात पर जोर दिया जाता है कि इतिहास की संकल्पना पूर्वाग्रह से मुक्त हो, तिथिक्रम में तथ्यों का सही आयोजन किया जाए और जो तथ्यों को उचित पद्धति से व्याख्यायित कर सके। इन्होंने 1888 में शोध के लिए तुलनात्मक और ऐतिहासिक पद्धति के ऊपर व्याख्यान दिया, और यह गौरतलब है कि इन्होंने इतिहास और साहित्य के बीच के अंतर को रेखांकित किया। जाहिर सी बात है कि जैसा कि मैंने अभी कहा, रांके की पद्धति में पॉजिटिविज्म, जहां वस्तुनिष्ठता पर जोर दिया जाता है, वहां इतिहास और साहित्य के बीच के अंतर को रेखांकित करना जरूरी था। इन्होंने न मात्र संस्कृत के पांडुलिपियों के संरक्षण पर बल दिया और उनके संग्रह पर बल दिया, बल्कि सोने, चांदी और पीतल के सिक्कों का संग्रह भी बड़े पैमाने पर किया। साथ ही रॉक और मेटेलिक इंस्क्रिप्शंस, सैल और धातु के अभिलेखों, विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों का संग्रह भी किया। एक महत्वपूर्ण नाम जब हम 19वीं सदी के महाराष्ट्र के इतिहास चेतना की बात करते हैं, जो हमारे सामने है, वह है ज्योतिराव फुले का। फुले अन्य समकालीनों के भिन्न, इन्होंने देसी गैर संस्कृत साक्ष्यों की तरफ रुख किया। ज्योतिबा फुले चिंतक, समाज सुधारक और अस्पृश्यता निर्मूलन के लिए जाने जाते हैं। अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले के साथ स्त्रियों के हित की बात इन्होंने की और सत्य शोधक समाज की स्थापना की। जैसा कि मैंने अभी कहा, उच्च संस्कृत विमर्श के स्थान पर इन्होंने बोलचाल की भाषा और मराठी देशज शब्दों का इस्तेमाल किया, पाबदा का उपयोग किया, जिससे इतिहास और मराठा अतीत घर घर तक पहुंच सके और 1873 में इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा, जिस पर सामाजिक कुरीतियों, जाति प्रथा की कुरीतियों की आलोचना की गई, और यह एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप हमारे सामने है। ज्योतिबा फुले के कामों से इतिहास का सामाजिक फैलाव हुआ, जो इतिहास को अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा के में पले बढ़े पीढ़ी से बाहर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में हमारे सामने आता है। इसी के साथ हम विष्णु शास्त्री चिपलुनकर से मुखातिब होते हैं, जिनकी निबंध माला या निबंधों का आलेखों का संग्रह था, जो 1874 में आया।
यहां और अन्य कृतियों में इन्होंने इतिहास की संकल्पना और उसके व्यवहार दोनों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। तो महज साक्ष्यों को इकट्ठा करना, उनका दस्तावेजीकरण करना ही नहीं था, इनके लिए इतिहास की फलसफा, इतिहास की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और इतिहास जिस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है, वह दोनों महत्वपूर्ण था। इन्होंने इसी कारण से विदेशी व्याख्याओं को, विदेशी नजरियों को खारिज किया और अपनी इतिहास लेखन में संस्कृति से निकटता और लगाव की बात की। तो यह अपनापे के साथ अपने समाज का इतिहास उसी समाज के लोग लिख सकते हैं, यह अवधारणा धीरे धीरे प्रबल होती गई। तो एक तरफ तो विदेशी व्याख्या को खारिज करना और उसके विकल्प के रूप में, एक असरदार विकल्प के रूप में मराठी इतिहास की तरफ, मराठी ऐतिहासिक चेतना, मराठी जमीन से जुड़े हुए लोगों द्वारा, जिसमें कि अतीत के प्रति लगाव दिखे, ऐसे नजरिए पर अब बल दिया जाने लगा था। तो विष्णु शास्त्री चिपलुनकर के की कृतियों में, इनके इतिहास की अवधारणा में देश, आत्मगौरव के प्रतीक के रूप में भी आता है और एक कह सकते हैं कि मेथोडोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट, जिसमें, या जैसा मैंने अभी कहा कि यदि आप संस्कृति से, समाज से निकट नहीं हैं, यदि आप उस समाज से आपका अपनापे का संबंध नहीं है, लगाव नहीं है, तो आप उस समाज के प्रति एक गहरी इतिहास दृष्टि नहीं विकसित कर पाएंगे, इस तरह का मत हम वहां पाते हैं। इनके लेखों को, लेख बड़े तीखे और सीधे सीधे प्रहार करने वाले हुआ करते थे, जिसके कारण इन लेखों को एक नाम सा दे दिया गया, जिसे चिपलुनकर वाला कहा जाता था। अर्थात जो कोई भी बहुत तीखे और स्पष्ट प्रहार करे उसके लेखों को इस टर्म के साथ, चिपलुनकर वाला टर्म काफी प्रचलित हो गया था। उनका जर्नल काव्य तीर्थ 1878 में उन्होंने तीन मित्रों के साथ शुरुआत की, जिनके नाम काशीनाथ साने, जनार्दन मोदक और शंकर सालिग्राम हैं। इन्होंने कई बाखर भी प्रकाशित किए अपने जर्नल काव्य तीर्थ में। आरजी भंडारकर, काशीनाथ, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर के साथ तीसरा अहम नाम मराठी इतिहास में हम पाते हैं, काशीनाथ विश्वनाथ रजवाड़े का। चिपलुनकर के लेखन से मराठी बौद्धिक वर्ग की कई पीढ़ियां प्रभावित हुई, जिनमें से एक काशीनाथ विश्वनाथ रजवाड़े का भी था।
इन्होंने भाषांतर नामक एक जर्नल का संपादन किया। प्लेटो के रिपब्लिक का मराठी में अनुवाद किया और अनुवाद को एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में हम पाते हैं महाराष्ट्र में। तो महज एक तरफ जहां देसी साक्ष्यों की खोज की जा रही थी, भाखर को अहमियत दिया जा रहा था वहीं इतिहास गढ़ने में, वहीं दूसरी तरफ जो यूरोपीय फलसफा, यूरोपीय ज्ञान मांगमय का की महत्वपूर्ण कृतियां थी उसका अनुवाद भी किया जा रहा था, जैसे प्लेटो के रिपब्लिक का अनुवाद। रजवाड़े ने 22 खंडों में मराठ्यांच्या इतिहासची साधनेन, मराठा इतिहास के स्रोत 22 खंडों में इन्होंने प्रकाशित किया 1898 से लेकर 1912 के दशक में। पूर्व औपनिवेशिक काल के हजारों डॉक्यूमेंट्स का संग्रह, उन पर टिप्पणी और उनका प्रकाशन का श्रेय रजवाड़े को जाता है। ये गांव गांव, कस्बा कस्बा घूम घूम कर लोगों से पुरानी पांडुलिपियां, पुराने दस्तावेज निवेदन कर, आग्रह कर उनका संग्रह किया, उन पर टिप्पणियां लिखी, उनका संपादन किया, उन्हें प्रकाशित किया। यह एक अमूल्य धरोहर है इतिहास चेतना की जब हम बात करते हैं। उनका वांग्मय इतिहास के सिद्धांत, उसकी प्रकृति और इतिहास लेखन के व्यवहारिक पक्षों पर केंद्रित है, जिसके 13 खंड हमें मिलते हैं। मराठी इतिहास लेखन को आधुनिक आधार और उसको एक आधुनिक पद्धति प्रदान करता है काशीनाथ विश्वनाथ रजवाड़े का लेखन। इन्होंने जंत्री या ऐतिहासिक कैलेंडर का निर्माण किया। अधिकतर मराठी साक्ष्य मोदक जंत्री का उपयोग करते थे तिथियों को समायोजित करने में, और रजवाड़े ने पहली बार मोदक जंत्री के साक्ष्यों को शक, अरबी और क्रिश्चियन तिथि प्रणाली के साथ तुलनात्मक विश्लेषण करने के लिए इस जंत्री का इजाद किया। इस जंत्री ने शोधकर्ताओं के लिए मराठी आर्काइव, मराठी साक्ष्यों के उपयोग को बेहद सरल कर दिया, क्योंकि मराठी साक्ष्य, जैसा कि मैंने अभी कहा, अलग अलग तिथि प्रणालियों को फॉलो करते थे और किसी एक स्टैंडर्ड कैलेंडर के अभाव में एक साक्ष्य को दूसरे साक्ष्य के साथ क्रॉस वेरीफाई करना, उनको तुलनात्मकता से परखना, उनके ऑथेंटिसिटी को, यह बेहद कठिन था। और क्रॉस वेरिफिकेशन इतिहास की पद्धति में एक अहम भूमिका रखता है। आप बगैर एक साक्ष्य को, एक तथ्य को दूसरे साक्ष्य से तुलनात्मक विश्लेषण किए बगैर उसकी प्रमाणिकता नहीं मान सकते हैं। तो इस क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए स्टैंडर्ड कैलेंडर का होना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला का होना जरूरी था, जिससे कि आप सही सही उनके तिथि, उनके उन घटनाओं के होने के क्रम को,
उसके खास कॉन्टेक्स्ट में, पृष्ठभूमि में स्थापित कर सके। और यह काम रजवाड़े की जंत्री ने बेहद सरल कर दिया। 1910 में इन्होंने भारतीय इतिहास संशोधक मंडल की स्थापना पुणे में की और इस तरह से हम देखते हैं कि आरजी भंडारकर हों, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर हों, काशीनाथ विश्वनाथ रजवाड़े हों, इनके व्यक्तिगत प्रयासों के साथ साथ इनके द्वारा स्थापित संस्थानों ने मराठी इतिहास के समायोजन, पुराने साक्ष्यों के खोज, उनके प्रकाशन, उनके संग्रहण, में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसने 19वीं सदी और 20वीं सदी में भी महाराष्ट्र में अतीत के प्रति चेतना और इतिहास दृष्टि, एक समेकित इतिहास दृष्टि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यहां भी अनेक विविधताएं रही, जहां एक ओर कुछ ने शुरुआती समय में बाखर या मराठी दस्तावेजों को इग्नोर किया, वहीं दूसरी तरफ इन मराठी साक्ष्यों, संस्कृत की पांडुलिपियों, इन बाखरों का संग्रहण शुरू हुआ, इनका प्रकाशन शुरू हुआ, इन्हें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज की के रूप में देखा जाने लगा। तो साथ ही हम ज्योतिबा फुले के हस्तक्षेप को पाते हैं, जहां इतिहास और अतीत की दृष्टि में समाज की कुरीतियों के प्रति भी एक तीक्ष्ण और बेहद मानिखेज हस्तक्षेप हमें देखने को मिलता है। तो इस सब के साथ हम महाराष्ट्र में जो 19वीं सदी के में और 20वीं सदी के आरंभ में इतिहास दृष्टि और इतिहास लेखन हुआ, उस पर चर्चा को विराम देते हैं। Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I'm not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar before they can go and sit for their school and or college exams. But I'm also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude, immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare, as he did Homer.
But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller.